बता दें कि बॉलीवुड के रोमांटिक फिल्म्स के किंग रह चुके यश चोपड़ा का नाम आज बॉलीवुड में बड़ी ही अदब से लिया जाता है, जहां यश चोपड़ा ने अपनी फिल्मों के जरिए प्यार को दोस्ती, जुनून और त्याग के साथ परिभाषित किया है, जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है। और अब बॉलीवुड के इन्हीं रोमांटिक फिल्म्स के किंग यश चोपड़ा के जीवन को सीरीज के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। दरअसल नेटफ्लिक्स बॉलीवुड के सबसे पुराने प्रोडक्शन हाउस में से एक यशराज के साथ द रोमांटिक्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने जा रहा है, और ये रोमांटिक फिल्मों पर बनी डॉक्यूमेंट्री प्यार करने वालों के लिए बेहद खास होगी, और इसलिए ये वैलेंटाइन डे के मौके पर यानी 14 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्री यशराज फिल्म्स की रोमांटिक फिल्मों को सेलिब्रेट करने वाली होगी, और क्योंकि इसमें बॉलीवुड में बीते कई दशकों में प्यार कैसे सामने आया यह दिखाया जाएगा, इसलिए इसे रिलीज करने के लिए वैलेंटाइन डे से बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। यशराज फिल्म्स पर इस डॉक्यूमेंट्री द रोमांटिक्स की घोषणा बीते मंगलवार को हुई थी, जहां अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म को टीज करते हुए एक पोस्टर लॉन्च किया गया था, जिसमें एक महिला तकरीबन आधी नजर आ रही है और उसकी साड़ी का पल्लू उसके पीछे हवा में लहरा रहा है, और बैकग्राउंड में यशराज के बैनर के रोमांटिक फिल्में हैं। वहीं आज यानी बुधवार को द रोमांटिक्स का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया गया है। बता दें कि द रोमांटिक्स बॉलीवुड पर एक तरह की फीचर डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें यह दिखाया जाएगा कि यशराज फिल्म्स कैसे बनी। साथ ही बता दें कि पिछले साल 2022 में यशराज फिल्म्स ने भारतीय सिनेमा में इसके 50 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया था, और वहीं यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता यश चोपड़ा और उनकी दूसरी पीढ़ी के निर्माता आदित्य चोपड़ा के लिए एक ट्रिब्यूट होगी, जिन्होंने अपने प्रोजेक्शन के साथ नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसके अलावा बता दें कि द रोमांटिक्स का निर्देशन स्मृति मुंद्रा ने किया है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।